गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने ई ओ क्यू के बारे में पढ़ा था कि हाउ ई ओ क्यू इज़ कैलकुलेटेड, है ना, एंड टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अब देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक नंबर 4, डिटरमिनेशन ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल लिमिट्स एंड लेवल्स। कि जैसे कि हमने बताया था मेटल कंट्रोल में या इन्वेंट्री कंट्रोल में कि इट शुड नॉट बी हाई और लो, कि ना तो ये कम होना चाहिए मटेरियल और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, और अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो जो है वो मनी, मतलब आप जो इन्वेस्ट कर सकते थे बाहर, वो सरप्लस मनी जो है वो बेकार पड़ी रहेगी, है ना, उसका मतलब यूटिलाइजेशन नहीं होगा, एक्सेस में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी मटेरियल में। लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन टू परचेज, कब खरीदें, मतलब कितना स्टॉक रह जाए तो ख़रीदा जाए। जैसे मैंने बात की ई ओ क्यू की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि एक ऐसा पॉइंट बताता है जहाँ पर हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है या जो कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होती है, है ना, मिनिमम होती है और इक्वल होती है लगभग। तो इस पॉइंट पर या इतना स्टॉक हमें मंगाना चाहिए, लेकिन व्हेन टू परचेज, कब मंगाएं, है ना, कि कितना स्टॉक बच जाए तो मंगाएं। तो व्हेन टू परचेज का जो आंसर है वो ये है कि आपको अपना लीड टाइम देखना होगा। लीड टाइम वो टाइम है जितना टाइम आपको मंगाने में लगता है। जैसे अगर आप आज ऑर्डर करें, आज आपने 100 यूनिट्स का ऑर्डर किया, तो अगर वो आज की आज आ जाता है तो लीड टाइम कितना हुआ, 1 डे, और वी कैन से इमीडिएटली। और अगर वो 10 दिन बाद आता है, वो 20 दिन बाद आता है, वो 30 दिन बाद आता है, तो वी कैन से उतना टाइम जितना टाइम की स्टॉक को मंगाने में लगता है उसको हम क्या कहते हैं, लीड टाइम, है ना। और एक सेकेंड पार्ट जो हमें ध्यान रखना होता है वो होता है यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम, कि जो लीड टाइम है, जितना टाइम आपको मंगाने में लगेगा उतने टाइम में आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हो प्रोडक्शन के लिए। जैसे सपोज़ लीड टाइम इज़ 10 डेज़, 10 दिन मंगाने में लगते हैं, और एक दिन में आपका कंजम्पशन है 100 यूनिट्स का, तो इट मीन्स आपके पास 1000 यूनिट्स तो हमेशा होनी चाहिए, है ना। तो वैन टू परचेज में इन दोनों चीज़ों को हमें देखना होता है कि व्हाट इज़ द लीड टाइम, कि मंगाने में कितना टाइम लगता है ऑर्डर को, और जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में यूसेज कितनी है। तो देखिए, लीड टाइम इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड हैविंग मटेरियल ऑन फैक्ट्री फ्लोर रेडी फॉर प्रोडक्शन, कि फैक्ट्री फ्लोर पर वो मटेरियल कितने टाइम में आ जाएगा, है ना। एंड यूसेज क्या है, यूसेज मीन्स द यूज़ ऑफ इन्वेंट्री बाय कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के लिए आप कितना मटेरियल जो है वो कंज्यूम करते हो, है ना। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं व्हेन टू परचेज। बट उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा भी हमें कई लेवल होते हैं जो डिटरमाइन करने होते हैं स्टॉक का लेकर, ताकि ओवर स्टॉकिंग ना हो या अंडर स्टॉकिंग ना हो। तो इसके लिए हमें 3 लेवल का ध्यान में रखना होता है, एक है मैक्सिमम लेवल, एक है मिनिमम लेवल, और एक है ऑर्डर पॉइंट। अब देखो, इनके नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम लेवल। अब जैसे सपोज़ आपने सोचा तो ये था कि लीड टाइम आपका 10 डेज़ है, लेकिन फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 10 डेज़ ही रहेंगे, है ना, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ गया तो प्रोडक्शन फिर रुक जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि स्टॉक का जो मिनिमम लेवल चाहिए उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा कर रख लेते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो रुके ना। तो मैक्सिमम लेवल क्या है, इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स विच कैन बी स्टोर्ड एट अ गिवन टाइम, कि एक गिवन टाइम पर आपको जितना मैक्सिमम मटेरियल स्टॉक में रखना है ताकि प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम लेवल, है ना। इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो स्टॉक है ना तो वो ज़्यादा हो, ओवर स्टॉक हो, और ना ही अंडर स्टॉक हो, और ना ही प्रोडक्शन रुके, है ना, कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए फ्यूचर में, तो जो स्टॉक है वो आपके पास होना चाहिए। आप देखिए, मैक्सिमम लेवल किस तरह से निकाला जाता है, एक तो है ऑर्डर पॉइंट, है ना, ये भी ऑर्डर पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे। उस ऑर्डर पॉइंट में से अगर हम मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम को माइनस कर देते हैं और ई ओ क्यू को प्लस कर देते हैं, तो ये जो आपका आएगा वो क्या है, मैक्सिमम लेवल, कि जिससे ज़्यादा स्टॉक आपको नहीं रखना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपको इतना स्टॉक कंपनी के अंदर, स्टोर के अंदर रखना चाहिए। सेकेंड आता है मिनिमम स्टॉक या मिनिमम लेवल, स्टॉक नहीं मिनिमम लेवल, ये हम कहलाता है बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, जिसको हम कहते हैं मिनिमम लिमिट, कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, है ना, कि अगर इतना नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन रुक जाएगा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लीड टाइम,
मैक्सिमम लेवल जो था वो लीड टाइम से ज़्यादा हो सकता है, लीड टाइम के यूसेज से ज़्यादा हो सकता है, बट मिनिमम लेवल में हम लीड टाइम को ध्यान में रखते हैं एंड यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम वो भी देखते हैं कितना यूसेज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो मिनिमम लेवल डिसाइड करते हैं कि स्टॉक जो है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे निकाला जाता है, ऑर्डर पॉइंट में से अगर एवरेज यूसेज रेट और एवरेज लीड टाइम को डिडक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम लेवल, कि कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए थर्ड आता है ऑर्डर पॉइंट, जो हमने इन दोनों में ही यूज़ किया, मैक्सिमम लेवल में भी मिनिमम लेवल में भी। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर पॉइंट मतलब आपने इतनी यूनिट्स रह जाएंगी तो आपने ऑर्डर करना है ना, तो एट व्हाट लेवल यू शुड ऑर्डर, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पॉइंट। तो इसको हम रीऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं, रीऑर्डरिंग लेवल भी कहते हैं, है ना। इट हैज़ बीन स्टेटेड अर्लियर दैट ऑर्डर पॉइंट इज़ अ पॉइंट एट विच ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मटीरियल और गुड्स इज प्लेस, जिस पर जो है वो मटीरियल या गुड्स को प्लेस किया जाता है जिस लेवल के बाद, है ना। तो दिस लेवल इज़ फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, उन दोनों के बीच में डिसाइड किया जाता है कि एट व्हाट टाइम या कितनी क्वांटिटी आपकी रह जाएंगी उसके बाद आपने ऑर्डर करना है। तो देखो ये कैसे निकाला जाता है ऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम आपका यूसेज कितना है मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम आपका लीड टाइम कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑर्डर पॉइंट, है ना। अब इसी ऑर्डर पॉइंट को देखो, ऊपर जो दो फार्मूले थे मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का, उसमें इसको यूज़ करना है। तो आई थिंक तीनों क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देखो एक आता है डेंजर लेवल, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टॉक मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि स्टॉक अवेलेबल नहीं होता और वो मिनिमम से भी कम पे चला जाता है, तो वो कितना कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंजर लेवल, है ना। तो दिस लेवल इज़ बिलो द मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल से कम होता है, एंड व्हेन एक्चुअल स्टॉक रीचेस दिस लेवल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू रीप्लेनिश स्टॉक, स्टॉक को दोबारा लाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, है ना। तो वो डेंजर लेवल क्या है उसको भी हम कुछ से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे देखो एवरेज यूसेज रेट, कि आपका यूसेज रेट कितना है, एवरेज, एवरेज निकलेगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय टू, है ना। और एमरजेंट लीड टाइम, कि एमरजेंसी वाला जो लीड टाइम है, जैसे आपको वैसे मंगाने में तो लगते हैं सपोज़ 10 दिन, लेकिन अगर आप एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हो, उसको उसके ऊपर प्रेशर डालते हो सप्लायर के ऊपर, तो हो सकता है वो 2 दिन में या 3 दिन में आपको प्रोवाइड कर दे, है ना। तो जो आपका डेंजर लेवल है वो कितना होगा, सपोज एवरेज यूसेज आपका है 200 यूनिट्स और 3 दिन आपको मंगाने में लगते हैं, तो 200 × 3 600 यूनिट्स जब आपकी रह जाएंगी तो वो लेवल क्या होगा आपका, डेंजर लेवल, कि उस लेवल पे तो आपको मंगाना ही है, ठीक है। अब ये सिंपल सा एक फॉर्मूला दे रखा है, एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है, मिनिमम एवरेज स्टॉक मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, या सेकंड इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 EOQ, और वी कैन से रीऑर्डर क्वांटिटी, EOQ को हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम एवरेज स्टॉक को निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके फॉर्मूले जिसमें आपको बताया कि मिनिमम स्टॉक कैसे निकालते हैं, मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पॉइंट कैसे निकालते हैं और डेंजर लेवल। आप देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, इससे क्लियर हो जाएगा। एवरेज कंजम्पशन ऑफ अ कॉयल इन अ फैक्ट्री इज़ 5 टन पर डे, एक दिन का जो एवरेज कंजम्पशन है वो 5 टन है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज़ 9 टन, मैक्सिमम गिवन है। आप देखो एवरेज कंजम्पशन इज़ गिवन, मैक्सिमम कंजम्पशन इज़ गिवन, तो आप मिनिमम कंजम्पशन निकाल सकते हैं, है ना। मिनिमम कैसे निकलेगा, क्योंकि एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज है 5, मैक्सिमम है 9, तो 5 इज़ इक्वल टू 9 प्लस आप उसकी जगह लख लीजिए मिनिमम की जगह एक्स डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो मिनिमम कंजम्पशन है वो आ जाएगा 1 टन, है ना। आप निकाल के देखिए 1 टन आएगा, मैक्सिमम 9 है और जो मिनिमम है वो 1 है, तो 9 + 1/2 ये आपका 5 आ गया। उसके बाद देखो मिनिमम लेवल इज़ गिवन 45 टन, EOQ गिवन है 20 208 टन। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट सप्लाई वुड टेक 8 to 10 डेज, अब इसमें 8 तो है मिनिमम डेज, 10 है मैक्सिमम डेज, और अगर हम बात करें एवरेज की तो वो बीच का हो जाएगा 9। एमरजेंट लीड टाइम आपको दे रखा है 2 डेज। अब आपको सारे लेवल बताने हैं, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ऑर्डर पॉइंट या ऑर्डर लेवल, ऑर्डर पॉइंट, तो जिसका रेट, जिसका फार्मूला है मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज
प्लस मैक्सिमम लीड टाइम। तो देखो मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज दे रखा है आपको 9 टन, मैक्सिमम लीड टाइम है 10 डेज, तो ये 90 टन हो गया। एंड सेकेंड फार्मूला इसका है मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। तो मिनिमम स्टॉक आपका कितना है 45 टन है ना, प्लस एवरेज यूसेज रेट 5 टन इनटू डे कितने हैं, एवरेज लीड टाइम 9 डेज, तो ये भी आपका आ गया कितना 90 टन है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो मिनिमम लेवल निकालना है, का फार्मूला है ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट अभी आपने निकाला 90 टन, इसमें से एवरेज जो यूसेज रेट है 5 टन वो डिडक्ट करोगे और एवरेज लीड टाइम कितना है 9 डेज है ना, तो ये आपका क्या आ गया 45 टन। ऐसे मैक्सिमम लेवल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ईओक्यू। तो ये यहाँ पुट किया तो ये आपके पास आ गया 290 टन। ऐसे ही एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है तो उसका सिंपल फार्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाई 2 भी कर सकते हैं, या मिनिमम लेवल है 45 प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ये आपके पास आ गया 149 टन। अब अगर डेंजर लेवल निकालना है तो डेंजर लेवल के लिए क्या करना होगा, एवरेज यूसेज रेट जो कि आपको दे रखा है कितना 5 टन इंटू एमरजेंट लीड टाइम 2 डेज, ये हो गया आपका 10 टन। तो इसको पढ़ के देखना, आई थिंक फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे।